Hi guys, I'm Shivam Kaur, founder of Moxon MBA Preparations. So guys, today's video is going to be extremely important for those who appeared for SRCC GPO 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss about the expected cutoffs with and without GDPI. Guys, so this video is very important because a lot of people are coming from the expected cutoff kya ho sakta hai in various categories. So we're going to talk about it. जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है, काफी लोग हेल्प हो जाएगी एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं। सीमैट एग्जाम बचा है अभी, सीमैट सीटी उस पे वीडियोस बनने वाले लगातार, तो कर दो सब्सक्राइब। चलो गाइस देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट काम और करना, हम लोग का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो गाइस, तो बेसिकली ये कैटेगरीज हैं, इस पे हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं विद विदाउट जीडीपीआई एंड विद जीडीपीआई। गाइस अभी हम लोग को आइडिया नहीं है कि जीडीपीआई होगा कि नहीं होगा, अभी अगर देखा जाए तो सिनेरियो में कोविड वगैरह कहीं नहीं, तो अभी के अकॉर्डिंग तो जीडीपीआई होने के चांसेस हैं, बट क्या पता लास्ट ईयर की तरह अप्रैल में या मई में कोविड आ जाए तो हो सकता है अभी जीडीपीआई ना हो, तो हमने दोनों देखेंगे कट ऑफ्स। और ऑब्वियसली बात है, अगर जीडीपीआई होगा तो कट ऑफ कम जाएगा एज कम्पेयर टू जब जीडीपीआई नहीं होगा, ठीक है। तो गैस पेपर का मैंने बनाई दिया वीडियो, लास्ट ईयर से पेपर टफ था क्योंकि क्वांट्स भी काफी ट्रिकी थे, अलजेब्रा वगैरह आ गई थी क्वांट्स में, एंड उसके अलावा आपका फिर डीआई सेक्शन भी टफ आ गया था एंड वीआरसी में कुछ आरसीज आ गए थे, तो लोग आरसीज में स्ट्रक कर गए, ठीक है, ये सब चीजें थी, तो उस वजह से कट ऑफ कम जाएगा। तो मेरा मानना है गाइस कि एक मैं आपको रीजनिंग देता हूँ कि वैसे तो काफी लोग का जो अटेम्प्ट है वो 80 से 85 है, बट अगर एक डिसेंट अटेम्प्ट देखें कुछ अच्छे बच्चों का जिन्होंने काफी अच्छे किया मॉक्स में, तो एक एवरेज अटेम्प्ट जो सही अटेम्प्ट है वो है 90 के अराउंड, मतलब 90 लोगों का 90 किसी का अटेम्प्ट है तो काफी सही माना गया है। अब आपका अगर 90 अटेम्प्ट भी होता है तो 90 × 4 कितना होता है 360, तो अगर आप 360 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आप कितने मार्क्स थोड़ी आएंगे आपके, मैं मानता हूँ कि अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है तो 36 मार्क्स माइनस कर दो उसमें, 360 माइनस 36 और माइनस 9 कर दो नेगेटिव के, तो ये आपका आएगा 315, तो 315 नंबर मान के चलो जब आपकी 90% एक्यूरेसी, और कई लोग की 90% नहीं होगी, कई लोग की हो सकता है 80% हो, 85% हो, ऐसा भी। तो गाइस जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो मुझे लगता है विदाउट जीडीपीआई मतलब फाइनल सिलेक्शन का, उसकी रेंज होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 305 से लेकर 315 तक, ठीक है, उससे भी कम हो सकती है। अभी एक्चुअली मैंने गाइस पेपर देखा नहीं है, तो जैसा मुझे रिव्यूज मिला है, मैंने काफी लोगों से बात करी फोन पे भी, काफी लोग से टेलीग्राम पे बात की, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये विदाउट जीडीपीआई जनरल कट ऑफ मुझे लग रहा है रेंज होनी चाहिए, ठीक है, तो उससे कम भी हो सकता है। और एक चीज और है गाइस, ये कट ऑफ तब है जैसे पेपर अभी दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है कि जो गलत क्वेश्चन सबके नंबर मिलेंगे आपको तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, बिकॉज मान लो अगर 10 क्वेश्चन गलत थे या मान लो 5 क्वेश्चन गलत थे, 5 क्वेश्चन के सबको 20-20 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, तो इसमें आप 20 मार्क्स जोड़ देना। लास्ट ईयर यही हुआ था, पहले 340 एक्सपेक्ट कर रहे थे कट ऑफ, फिर पता चला कि 20 नंबर सबको मिले तो 357 के कट ऑफ, तो ये चीज होती है। अगर ये आपका है, ये बेसिकली कट ऑफ कौन सा है आपका, ये आपका है विदाउट जीडीपीआई कट ऑफ, ठीक है। अभी हम सबका विदाउट जीडीपीआई देखेंगे, फिर हम लोग विद जीडीपीआई देखेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कितना जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ये जाएगा आपका 280 से 290, ऐसा मान के चलो। ओबीसी का कट ऑफ जाएगा 265 से 275 के अराउंड, क्योंकि गाइस जरा सा भी पेपर टफ आता है ना कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन होता है, मैं बताऊंगा अभी। आप एससी का कट ऑफ मान के चलो गाइस आप जाएगा 205 से 215 तक के बीच में, और एसटी का कट ऑफ जाएगा आपका 140 से कम जाता है, 140 से 150 मानो, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ मान के चलो आप 200 से 210, और CW कट ऑफ होता है गैस 240 से 251 के चलो आप। CW में कुछ बच्चे जनरल वाले भी होते हैं, उनका कट ऑफ ज्यादा जाता है कभी कभी, तो इसलिए ज्यादा चला जाता है कट ऑफ, ठीक है, 240 से 250 मानो। तो गैस ये विदाउट जीडीपीआई है, तो अगर आप एक कैटेगरी है तो आपको मतलब आपका 275 भी आ रहा है, मतलब किसी ने अगर मान लो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसका बहुत ज्यादा चांस है, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 84 या 320, तो आपका आराम से ईडब्ल्यूएस में भी आ जाना चाहिए कॉल, ठीक है, तो एक्यूरेसी एज मैटर करेगी। और अगर जीडीपीआई हो गया तब तो काफी चांसेस सबको कॉल आएगा काफी लोग, ठीक है। तो जीडीपीआई में अगर जनरल का देखें हम लोग, तो जनरल कट ऑफ मुझे लगता है ये होगा, जनरल कट ऑफ 50 मार्क्स से कम ही होता है राउंड, तो मान के चलो आप 255 से 265 के राउंड है, ठीक है, और ये रेंज है। वो भी ईडब्ल्यू से कट ऑफ मानो आप 240 से 250, ठीक है, फिर आपका ओबीसी कट ऑफ मानो आप 215 से 225, क्योंकि जनरल और ओबीसी में डिफरेंस होता है अराउंड 40 मार्क्स का, ठीक है जी, देखा गया 225, ठीक है। फिर गाइस एससी का कट ऑफ आपका है 150 से 160, इसका आपका है 90 से 100 मानो आप, और पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ मान के चलो 150 से 160, और इसका मान के चलो 180 से 190, ये कब है जब जीडीपीआई होगा, ठीक है।
तो गाइस अगर जीडीपीआई होता है तो 255 से 265 मार्क्स पे आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। एक दो बंदे तो ऐसे थे भाई, उन्होंने बोला था कि उनको पेपर 2016 से टफ लगा, हम शॉर्ट हो गए, मगर क्या बोल रहे हो, 2016 से टफ लगा, 2016 में 211 नंबर कट ऑफ गया था जीडीपीआई के साथ, जीडीपीआई था तो, बट इतना कट ऑफ नहीं जाएगा बिकॉज उस टाइम पे और इस टाइम काफी डिफरेंस है, तब ऑनलाइन का कुछ नहीं था। अब आपको 6 साल हो चुके हैं, 6 साल में यूट्यूब पे कितने फ्री वीडियोस आ गए, कितनी ऑनलाइन कोचिंग से कितना पढ़ाना शुरू कर दिया है, बच्चे स्मार्ट हो गए, तो इवन उतना कट ऑफ कम नहीं जाएगा, बट ये मानो कि ऐसा हो सकता है, होने को ऐसे थोड़ा सा और कम हो सकता है, ये मैं फर्स्ट लिस्ट से कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट लिस्ट आते आते कम हो जाएगा कट ऑफ, जैसे लास्ट ईयर 357 फर्स्ट लिस्ट पर था फाइनल सिलेक्शन वाला विदाउट जीडीपीआई, ठीक है, बट एंड में आते थे वो 337 हो गया था, ठीक है। तो ये चीज है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज काफी लोग यार गैस भी करके आते हैं, काफी लोग की जल्दीबाजी नहीं हो पाते हैं, क्वेश्चन गलती होती है, मतलब 90% की अगर एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी बात मानूंगा मैं, 90 नहीं होती लोगों की, जनरली लोगों की एक्यूरेसी 80-85% होती है, 90 बहुत बड़ी बात हो जाए तो, ठीक है। तो ये चीज़ें बिकॉज DI वगैरह दिक्कत आ जाती है। गैस आप लोग अब जो भी हो गया छोड़ो उसको, क्योंकि गैस ज्ञान में अभी आपकी बस रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, दूसरा देख लेना कितना नंबर आ रहा है, फिर आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आपको सीमेंट देना है तो सीमेंट की तैयारी ढंग से करो, सीमेंट नहीं देना है तो अगले साल की तैयारी लग जाओ गैस, क्योंकि इसका रिजल्ट एक महीने बाद आएगा कम से कम। लास्ट ईयर रिजल्ट 12 मई को आया, उतना लेट नहीं होगा बिकॉज लास्ट ईयर कोविड आ गया था अप्रैल में, इस बार लेट मान के चलो कि रिजल्ट आपका अप्रैल में आ जाएगा, पर इसलिए एक महीना बर्बाद मत करो गैस। जो लोगों के पास 1% भी चांस है अगले साल होने का, अगले साल जाने का, पेपर देने का, प्लीज गैस बिल्कुल वेस्ट मत करो टाइम, आपको रियलाइज नहीं होती चीजें, आप सोचते हो मार्च बहुत नॉर्मल निकल जाएगा, मार्च अप्रैल, बट गैस मार्च अप्रैल में अगर छोड़ दिया आपने पढ़ाई, जून में अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे कैट का, फिर सब कुछ वैसे ही रहेगा, आपने कुछ एडिशन नहीं किया होगा अपनी नॉलेज में ज्यादा, मेरे अकॉर्डिंग बस आपको टाइम मिल गया, कुछ आपको कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही, तो इस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से कैट की तैयारी करनी है, एक स्ट्रक्चर में पढ़ो, अभी से स्टार्ट करो कैट के लिए तो हो जाएगा। एंड काफी लोग लगता है कैट ना दें, कैट देना चाहिए बिकॉज कैट में आपको बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं, बिकॉज अगर आपको 90 के ऊपर भी आ गया तब भी चांस है, ठीक है। अभी के लिए गैस अगर आप सीमेंट की तैयारी कर रहे हो तो सीमेंट का हम लोग का कोर्स चल रहा है गैस, बहुत ही डेडिकेटेड कोर्स है, SRCC के काफी अच्छे रिव्यूज हैं स्टूडेंट्स के, कोर्स की तो आई हैं रिव्यूज, कोर्स में तो हमने कोई चीज छोड़ी नहीं थी, मॉक्स के भी काफी सही रिव्यूज आए, काफी लोग लगा काफी बैटर्न थे। एक चीज मैं क्लियर करूंगा गैस मॉक्स लेके, काफी लोग समझ में नहीं आता है कि रेलेवेंट मॉक्स होते क्या हैं। रेलेवेंट मॉक्स मतलब होता है जिस टाइप के क्वेश्चंस वैरायटी आपके एग्जाम में आई है उस टाइप के मॉक्स थे कि नहीं। मान लो अगर ऐसा होता कि किसी मॉक में, मान लो मेरे ही मॉक में 30 क्वेश्चन अर्थमेटिक हम देते और वहां पे ऐसा नहीं हुआ तो वो मॉक्स इरेलीवेंट होते, डिफिकल्टी लेवल तो ऊपर नीचे हो ही सकता है स्टार्टिंग वाला था, अब उन लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, जबकि देखो लास्ट ईयर से ऊपर डिफिकल्टी लेवल था हम लोग का मॉक, बट स्टिल पेपर और टफ आ गया, बट वो लोग जिन्होंने एनालाइज किए मॉक्स उन लोग का फायदा हुआ, क्योंकि फायदा क्यों हुआ तभी मैं बोलता हूँ गाइस एनालिसिस इंपॉर्टेंट है और मॉक्स इसलिए डिजाइन किए जाते हैं। इसका रीजन क्या है, मान लो आपको फंक्शंस के बारे में पता ही नहीं क्या होता है, इनवर्स है कभी सुना ही नहीं, मॉक में आपने देखा कि इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, आप क्या करोगे जाके पढ़ोगे तो आपका तैयारी होगी इससे, इसको बोलते हैं रेलेवेंट मॉक्स, कि जो वैरायटी पूछी गई है पिछले 5 साल में वो वैरायटी मॉक में कवर है कि नहीं। डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं बोल सकते, अगर डिफिकल्टी लेवल ही पता चल जाए मॉक वालों को तो पेपर ही नहीं मिल जाएगा फिर से, हर चीज नहीं बोल सकते ना, क्योंकि गाइस जिस तरह पेपर आया है उससे टफ पेपर हम लोग बनाते तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते, ये बात है, बट स्टिल अब क्योंकि ऐसे पेपर आ गया तो अगले साल और अच्छा करेंगे हम लोग उसको, क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव रहता है कि लास्ट के कुछ साल से पेपर टफ बनाओ, वो बनाया बट अनफॉर्चुनेटली पेपर और टफ आ गया, बट जिन लोगों ने एनालाइज किया था उन लोगों के रिव्यूज काफी अच्छे आए, बाकी तो सबका है अपना अपना, ठीक है चलो कोई नहीं। और बाकी गाइस सीमेंट की बात करूँ, सीमेंट के मॉक्स काफी रेलिवेंट है, पेपर का लेवल हमने बढ़ा दिया थोड़ा, लास्ट ईयर भी पेपर टफ आया था क्वांट्स, और जैसे मुझे लग रहा है पेपर टफ आएगा, मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ गाइस क्वांट्स LR एंड BR से कुछ जितने वर्स्ट कैसे पढ़ सकते हो पढ़ लो, मैंने रिग्रेट करोगे, ऐसा हो सकता है बिकॉज आपको सोच के देखो 2.5 मिनट आपको मिल रहा है क्वेश्चन में, 2.5 मिनट बहुत होता है एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको मानो 180 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, उसमें 40 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, ठीक है आप 30 मिनट में थ्योरी कर लोगे, 150 मिनट्स की यू आर गेटिंग 60 क्वेश्चन, तो 2.5 मिनट हो गए एक तरह से, इसलिए बोल रहा हूँ गैस क्वांट्स तो कैट के कुछ क्वेश्चन से कर लो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है चलो गैस। सो दिस वॉज ऑल ओवर, बाकी रिजल्ट रहे, और आपको अगर इनरोल करना हो यू कैन विजिट माई वेबसाइट और मुझे पिंग कर सकते हो, बाकी हमें काफी डिटेल में सब कुछ होगा। 12 मार्च से हम लोग पास पेपर डिस्कस करने वाले हैं सीमेट के, और जितने भी सेक्शन हैं चाहे IE हो चाहे GK हो सब कुछ ढंग से करेंगे, अभी हम लोग SRCC में लगे हुए थे, ठीक है और अच्छे से हो जाएगा सब अच्छे से, ठीक है चलो गाइस। सो दिस वाज ऑल ओवर वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ये नंबर है यू कैन पिंग मी एट दिस नंबर, एंड mockzone.in/CMAT में जा सकते हो अगर आपको देखना हो कोर्स या मॉक्स, ठीक है चलो गाइस बाय।